Hello everyone. Today we are here to study our chapter 3 from class 12th English Vistas book, and the chapter of name of the chapter is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. So student, जैसे कि title है journey, एक journey के बारे में इस chapter में बात हो रही है, और वो journey कहाँ की है? To the end of the earth, मतलब जहाँ पे अर्थ का end हो जाता है. कहाँ पे अर्थ का end होता है? ये इस चैप्टर में बताया गया है. इस चैप्टर में एक्चुअली जो बात की गई है जर्नी की, जो हमारी राइटर है तिशानी दोषी, वो बात कर रही है अपनी एक जर्नी जो उन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में की थी. वहाँ की जर्नी की इन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस चैप्टर में शेयर किया है, और उस एक्सपीरियंस से, मतलब उस जर्नी से इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इनका परसेप्शन कैसे चेंज हो गया, और कैसे, मतलब इन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी और क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस करी, और उनका रियल लाइफ से कितना कनेक्शन है, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में उन्होंने शेयर किया है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकादमिक शोकाल्सकी हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका. इस ईयर के अर्ली शुरुआत में आई यहाँ पे कौन है? हमारी राइटर तिशानी दोषी. वो कहती हैं कि मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक अबोर्ड, मैंने ऑन बोर्ड किया है, मैं गई हूँ. किस पे गई हूँ? एक रशियन रिसर्च वेसल, वेसल मीन शिप, एक शिप पर गई है. रशियन रिसर्च शिप है जिसका नाम है अकादमिक शोकाल्सकी. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इन शिप का नाम है ये अकादमिक शोकाल्सकी, जो कि कहाँ जा रहा था? कोल्डेस्ट, बहुत ही ठंडे से, ड्राइएस्ट है, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे विंड हवा चलती है ऐसे कॉन्टिनेंट में, दुनिया का ऐसा कॉन्टिनेंट, और वो कॉन्टिनेंट कौन सा था? अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगेन 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. देखिए कह रहे हैं कि मैंने अपनी जर्नी शुरू की, बेसिकली जो हमारी राइटर हैं वो मद्रास को बिलोंग करती हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की जैसे इक्वेटर से 13.9 डिग्री नॉर्थ की साइड में. अगर हम इक्वेटर से देखें 13.9 डिग्री पे, जो इक्वेटर पे वो जो शो करेगा, दैट इज़ मद्रास. तो मतलब उन्होंने थोड़ा सा इसमें, इस चैप्टर में एक्चुअली ज्योग्राफी वर्ड, ज्योग्राफी की वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो दैट इज़ अ रीज़न थोड़ा सा जो चैप्टर है डिफ़िकल्ट पड़ जाता है. बट अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार अगर ये समझ में आ जाए तो. तो ये जो 13.9 डिग्री, आपको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ये बता रखा है इक्वेटर से 13 नॉर्थ की साइड में अगर हम 13.9 डिग्री करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? मद्रास. तो राइटर ने अपनी जर्नी मद्रास से स्टार्ट करी. एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर. कहते हैं कि अब उन्होंने जब जर्नी स्टार्ट करी तो उसमें 9 टाइम जोन्स आए थे. 9 टाइम जोन, जैसे हमारे इंडिया का अलग टाइम जोन है, राइट, ऐसे हर एक कंट्री का अलग टाइम जोन होता है. हमारे इंडिया का क्या टाइम जोन है? बेसिकली 82.30 डिग्री ईस्ट. तो ये जैसे हमारे इंडिया में अलग टाइम जोन है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइम लॉर्ड, अमेरिका में अलग टाइम होगा इस समय, ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइम जोन है. तो वो कहते हैं कि मैंने डिफरेंट 9 टाइम जोन क्रॉस किए हैं अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए. 6 चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पर हम रुक के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ठीक है. 6 चेक पॉइंट्स हमने लिए. 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, वाटर की बॉडीज़, मतलब या तो ओशियन है, सी है, जितने भी जो भी हैं उनको हम बॉडीज़ ऑफ वाटर कहेंगे. तो 3 ओशियन उन्होंने क्रॉस कर दिए, और कह रहे हैं कि एटलीस्ट एज मैंने, कहते हैं इकोस्फेयर की तो गिनती ही नहीं कि मैंने कितने इकोस्फेयर क्रॉस कर दिए. इकोस्फेयर क्या होता है? बेसिकली जो हमारा एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर रहती है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह हैं, तो ऐसे इकोस्फेयर्स, कहते हैं बहुत सारे इकोस्फेयर्स हमने क्रॉस कर दिए. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप. अब आगे राइटर कह रहे हैं कि जब तक मैंने अंटार्कटिका की कॉन्टिनेंट पर अपने पैर रखे, तब तक मैं 100 घंटे की जर्नी कर चुकी थी. और वो ट्रैवल उन्होंने किस किस से किया था? कार से उन्होंने ट्रैवल कर लिया, एरोप्लेन से, शिप से. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप
एन अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वॉज रिलीफ। अब 100 घंटे की जर्नी करके तो कोई भी आदमी थक जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर राइटर कहती है कि तो मेरा जब मैंने पहली बार अंटार्कटिका को फेस किया, अंटार्कटिका का कैसा था, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, जैसे मैंने आपको जो हमारी दूसरी बुक थी फ्लेमिंगो, उसमें भी आया था, 11th में आया था, सॉरी आपकी बुक में आया था लैंडस्केप वर्ड। तो लैंडस्केप बेसिकली क्या होता है हमारा, जैसे समुद्र और बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनके नेचर के, उस सीन को लैंडस्केप कहते हैं। अब लेकिन अंटार्कटिका में कैसा लैंडस्केप था, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, मतलब दूर दूर तक वाइट, बिल्कुल वहाँ पर बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन, और ब्लू होरिजन क्या था, हॉरिजन बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम यूँ कह दें कि जहाँ पर हमें लगे कि धरती और जो वो है आसमान मिलते हुए दिखाई दे, है ना। तो वो कहते हैं कि बिना वहाँ पर किसी भी डिस्टर्बेंस के, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को, और वहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्लू होरिजन दिख रहा है। मतलब वैसे क्या होता है, समुद्रों के पीछे, समुद्र के में और पहाड़ों की चोटियों के ऊपर लगता है कि हाँ दिस इज़ द होरिजन पॉइंट, बट यहाँ पर क्या है, ब्लू कलर का है, बिकॉज बहुत दूर तक बर्फ बर्फ वाला पानी है। तो वहाँ पर कहते हैं ब्लू होरिजन देख के मुझे रिलीफ मिला। क्यों रिलीफ मिला, क्योंकि वो 100 hours की जर्नी करके आई थी, और उससे क्या हुआ, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसी के साथ साथ उन्हें इमीडिएट उसी टाइम बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। प्रोफाउंड मतलब डीप, वंडर हैरानी हुई, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और हैरानी किस चीज़ को देख कर हुई, उसकी इमेंसिटी को। इमेंसिटी मतलब बहुत बड़ा है वो अंटार्कटिका या कॉन्टिनेंट, क्योंकि इतना बड़ा देख के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। इट्स आइसोलेशन, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अकेला, वहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लोग रहते हैं, कुछ वहाँ पर ह्यूमंस रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं बिल्कुल ही वहाँ बिल्कुल अकेला सा है ये कॉन्टिनेंट। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। कहते हैं सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी उस चीज़ के बारे में सोचकर हुई जब मैं ये सोच रही थी कि किसी टाइम पे, एक टाइम हुआ करता था, मतलब हजारों साल पहले कोई टाइम हुआ करता था जब इंडिया और अंटार्कटिका जो था वो सेम लैंड मास का हिस्सा थे, वो दोनों एक ही थे, ऐसा पहले उसमें कहा जाता है। अब देखिए पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, उसमें आगे पता चलेगा। 650 million years ago, 650 million years ago मतलब 65 crore years पहले की बात बता रही है राइटर। अ जायंट अमालगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। राइटर क्या कहती है, एक जायंट बहुत ही बड़ा, अमालगमेटेड होते जॉइंट, जॉइंट क्या था, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था। साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट क्या क्या नाम था, गोंडवाना, जो वास्तव में एग्जिस्ट करता था। और वो गोंडवाना में क्या था बेसिकली, मतलब ये था साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ये सारे एक साथ कंबाइंड थे, जुड़े हुए, अमालगमेटेड मतलब जॉइंट थे, ये सारे एक ही थे। अब तो सारे अलग अलग हो गए हैं, तो मतलब कह रहे हैं कि 65 crore साल पहले एक बहुत बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट होता था गोंडवाना नाम का, जिसमें ये सारे जो थे एक साथ जुड़े हुए थे। क्या जुड़े हुए थे, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये सब जुड़े हुए थे, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, वो सब जो आज जो अंटार्कटिका है उसके आसपास ही सारे जुड़े हुए थे, ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस टाइम पे चीज़ें बिल्कुल अलग थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस टाइम पर इंसान जो थे धरती पर नहीं आए थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, क्लाइमेट जो था पहले बहुत ज़्यादा गर्म था, ऐसे मतलब अभी के मुकाबले, होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना आपको पता है, फ्लोरा मीन्स प्लांट, फोना मीन्स एनिमल्स, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांटेशंस और एनिमल्स हुआ करते थे, ह्यूमंस तो थे नहीं। फॉर 500 million years गोंडवाना थ्राइव्ड, 500 साल 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना जो था ग्रो करता रहा, एग्जिस्ट करा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे,
द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इन टू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे। राइटर कहती है कि लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा डायनासोर्स जो थे वो भी वाइप आउट हो गए, मतलब वो भी गायब हो गए। और उसके बाद जो मैमल्स थे, जो मैमल्स आपको पता है दोज एनिमल हु नरिश फ्रॉम द मिल्क, है ना, वो नरिश मिल्क, वो एनिमल मैमल्स वो भी जो थे गायब होने लगे, मतलब उनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई थी, है ना, एक्सटिंक्ट हो गए ये सारे। तो ये जो लैंड मास थे ये फोर्स, मतलब इन पे ज़बरदस्ती फोर्स करके ये क्या हो गए, ये सेपरेट होने लग गए, और सेपरेट होकर ये कंट्रीज में सेपरेट होने लग गए, जैसा कि आज हम इन्हें ग्लोबल ग्लोब में जानते हैं। तो ये धीरे धीरे जो थे अलग होने लग गए। To visit Antarctica now is to be a part of that history. कहते हैं आज अब अंटार्कटिका में विजिट करना एक तरह से ऐसे लगता है कि हिस्ट्री का हम एक हिस्सा बन रहे हैं। To get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. ये क्या है, To get a grasp, grasp मतलब understanding. इसके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, अगर हमें इसको समझना है कि हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन्स, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। अब देखिए, इट इज़ टू अंडरस्टैंड, इसके लिए क्या हमें समझने की ज़रूरत है, द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियरियन फोल्ड्स। कॉर्डिलियन फोल्ड्स क्या हैं, बेसिकली कॉर्डिलियरन फोल्ड्स को हम यूँ कहेंगे, वो जो होती है हमारी चेन ऑफ माउंटेन, ठीक है, चेन ऑफ माउंटेन मतलब अ ग्रुप ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन का ग्रुप है, जैसे हमारे यहाँ हिमालयास की श्रृंखला है, उनको बोलते हैं हम कॉर्डिलियरियन फोल्ड्स। सो कॉर्डिलियरन फोल्ड्स जो हैं, कह रहे हैं कि उनका हमें समझना होगा, ठीक है, जब हम उनका मीनिंग समझ लेंगे। एंड प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, बेसिकली आज से 46 मिलियन ईयर्स अगो, यूँ कह लीजिए कि 450 करोड़ साल पहले का जो टाइम था, जो डायनेस्टी थी, दैट इज़ प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि किस मुगल डायनेस्टी थी, ये एक डायनेस्टी थी इतने सालों पहले, तो ऐसे 450 करोड़ साल पहले क्या थी, प्री कैम्ब्रियन थी, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन के टाइम पर ग्रेनाइट शील्ड्स हुआ करती थी, ग्रेनाइट शील्ड्स मतलब पत्थर जो हुआ करते थे, उनको समझना। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन गैस मतलब उस टाइम पे ओजोन का क्या लेयर थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम आज वो करते हैं जब हम छोड़ते हैं, तो ऐसे ही मतलब उस टाइम पे जो एनिमल्स थे छोड़ते थे उनका क्या रहता था। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, फिर नए नए जानवर आए, जैसे नए नए लोग जो जीव आने लगे, जैसे हम लोग भी ह्यूमन आए धरती पे, एंड एक्सटिंक्शन, और कितने ही जो स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ों की जो है हमें जानकारी कहाँ मिलती है, अंटार्कटिका पर, ठीक है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards. अब कहते हैं कि when you think, अब आप जब ये सोचते हो कि ये सारी चीज़ें हो सकती थी million years, करोड़ों साल पहले ये सब चीज़ें हो सकती थी, हुई थी ये सब चीज़ें, और कहते हैं कि it can get pretty mind-boggling. Mind-boggling क्या होता है, मतलब unbelievable, जिस पर आपको विश्वास ना करे, आपका दिमाग ख़राब हो जाए, ऐसी चीज़ कितने बिल्कुल सोच कर ही हमारा मेरा दिमाग ख़राब हो गया हमारा, कि सोचिए आप इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, मतलब जब पहले करोड़ों साल पहले ये सारे एक साथ थे, ठीक है, अब उसके बाद जब हमें वहाँ पे जाके हमने देखा कि ये पूरा अंटार्कटिका जो था एक गोंडवाना हुआ करता था किसी टाइम पर, सारी चीज़ें एक साथ थी, सारी कंट्रीज़, अब उसके बाद सोचो इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड की तरफ पुश हो रहा है, उसे धकेला जा रहा है, वो मतलब खुद ही जो है पुश हो रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयास। उसके बाद जैमिंग एशिया जो कि उसमें क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, और वो एशिया, इंडिया जो है एशिया को जैम कर रहा है, मतलब स्ट्राइक कर रहा है, और उसको स्ट्राइक करने से फिर क्या बन रहा है, फॉर्म द हिमालयास, हिमालय बन रही है। मतलब सोचिए ये सारी चीज़ें, अब हमारे यहाँ देखा जाए तो माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जब
दो जगह के जो माउंटेन्स होंगे मतलब एशिया के, ठीक है, और इधर से इंडिया, जब वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बीच में क्या होता है, माउंटेन्स बन जाते हैं। तो कहते हैं कि हिमालय है, माउंटेन बनने लग रहा है। सोचो मतलब ऐसा हुआ होगा करोड़ों साल पहले। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, फिर उससे पहले जब इंडिया अलग हुआ, फिर सबसे पहले फिर क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया था। अब जब नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, तो जो साउथ अमेरिका है वो भी क्या कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है, वहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सिरकम पोलर करेंट। अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वो जाने के लिए ड्रेक पैसेज एक रास्ता बना रहे हैं, ड्रेक पैसेज एक पानी का रास्ता बना रहे हैं, क्या करने के लिए, कोल्ड सरकम पोलर करेंट। एक जो है सरकम पोलर क्या होता है, जो मतलब साउथ पोल पे है ये सारी चीज़ें, ठीक है, अंटार्कटिका के पास साउथ पोल पे, वो एक सरकम पोलर को हम यूँ कह सकते हैं, एक कोल्ड सरकम पोलर मतलब ठंडी पानी की एक लहर से मतलब करंट बना रहे हैं। किस लिए करंट बना रहे हैं, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और वो अंटार्कटिका को क्या कर दिया उन्होंने, फ्रीज कर दिया है, मतलब बिल्कुल कोल्ड, ठंडा कर दिया, जमा दिया है, और वो डिसोलेट रह गया, मतलब बिल्कुल अलग सा, अकेला सा रह गया, और बिल्कुल वर्ल्ड के नीचे नीचे वो आ गया अंटार्कटिका, और बाकी की ये जो कंट्रीज हैं ये साथ साथ अलग हो गई। फॉर ए सन वर्शिपर साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। अब यहाँ पर राइटर कहती है कि मुझ जैसी साउथ इंडियन, साउथ इंडियन में हम सबको पता है धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो कहती है हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, हम मुझ जैसी के लिए 2 weeks इन ए प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। अब कहते हैं मुझ जैसी के लिए सोचो 2 हफ्ते एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अर्थ की जितनी भी आइस है उसका 90% हिस्सा जो है वो वहाँ पर है, जहाँ पर अभी राइटर है अंटार्कटिका में, और एक ये सोच ही कैसे, एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, ये सोच भी मेरे लिए एक डरा देने वाली, चिलिंग मतलब डरा देने वाली, प्रोस्पेक्ट मतलब ये सोचो कि मतलब मुझ जैसी मद्रास की रहने वाली लेडी के लिए 2 हफ्ते ऐसी जगह पर जहाँ पर दुनिया की सारी अर्थ का टोटल परसेंट 90% हिस्सा तो वहाँ पर है, जहाँ पर अब मैं वहाँ जा गई हूँ, वो ऐसी ही सोच ही मुझे डरा देने वाली है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। सिर्फ इसीलिए नहीं कि सर्कुलेटरी मतलब होता है बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, मेटाबॉलिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कहते हैं यूँ नहीं है कि मैं मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा या मुझे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी, बल्कि ये सोच कर ही मुझे डर लग रहा है कि वहाँ पर सोचिए बिल्कुल धूप नहीं आती है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू ए जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। ये किस तरह की लग रहे हैं, कह रहे ऐसे लग रहा है राइटर के लिए मानो एक बहुत बड़ी सी पिंग पोंग बॉल कौन सी थी, जो वाइट कलर की टेनिस बॉल की तरह होती है, बिल्कुल वाइट होती है वो हर जगह से, तो कहते हैं कि हर तरफ से एक जैसा पूरा हर जगह से वाइट 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 है, तो ऐसे एक जगह पे ऐसे लग रहा है कि हम पिंग पोंग बॉल पर चल रहे हैं, और डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर मतलब ह्यूमन इंसानों का तो वहाँ पर बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते हैं। नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं है। बिलबोर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगाने वाले जो बोर्ड्स होते हैं वो नहीं है। बिल्डिंग्स नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो हमारी सोच होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अर्थ की जो सेंस है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अर्थ का जो टाइम है, वो सब यहाँ पर मतलब जो है गुम हो जाएगा, खो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ह्यूमन लोग नहीं रह रहे हैं, ट्रीज नहीं है, किसी तरह की कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारी अर्थली जो सेंसेस है वो सारी वहाँ पर जो है लॉस हो गई हैं। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी। और जो हमारे देखने की जो रेंज है वो वहाँ पर क्या 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 है, कैसी है, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे से, स्मॉल से उससे लेकर माइटी, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स। मिजेस एंड माइट्स क्या होते हैं, मिजेस एंड माइट्स होते कीड़े मकोड़े और फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह होती हैं, उन सब से लेकर ब्लू व्हेल तक वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी।
एन आइसबर्ग एज बिग एज कंट्री, और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो बर्फ के जो पहाड़ की तरह जो खड़े होते हैं उन्हें आइसबर्ग्स कहते हैं। तो कहते हैं इतने बड़े बड़े हैं, मतलब उनकी वो इतने बड़े हैं मानो कि कंट्री की साइज के हों। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, और जो सबसे बड़े जो आइसबर्ग को रिकॉर्ड किया गया उसका साइज जो है एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, उसके साइज जितना है। डेज गो ऑन एंड इन ए सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, कितने दिन बीतते गए बीतते गए बीतते गए, कहाँ पर बीतते गए, सरियल, सरियल मतलब होते हैं ब्यूटिफुल लाइक अ ड्रीम, ऐसे एक सपने की तरह जहाँ पर 24 घंटे जो क्या है लाइट रहती है। वहाँ पर क्या होता है जब समर का टाइम होता है तो वहाँ पर पूरे दिन 24 आवर्स जो है दिन रहता है, वहाँ पर बहुत तेज है जैसे मतलब सन बहुत पास होता है तो वहाँ पे समर लाइट रहती है, मतलब पास नहीं होता लेकिन क्योंकि वहाँ पर वो है पूरे उसमें आइस रहती है तो वहाँ की जो गर्मियाँ जो होती हैं बहुत ही हल्की फुल्की सी गर्मी रहती है। ऑस्ट्रल समर लाइट मतलब साउदर्न की तरह है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जैसे माइल्ड समर होता है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आइस है तो इसलिए ज़्यादा गर्मी वहाँ नहीं पड़ती, तो वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सा मतलब वहाँ पर माहौल होता है। एंड ए यूबिकिटस साइलेंस, यूबिकिटस होता है जो कि हर जगह प्रेजेंट एवरीवेयर, और ऐसी शांति जो कि हर जगह आपको दिखती है वहाँ पर, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच और कैल्विंग आइस शीट, और जो कि किससे वहाँ पर सिर्फ क्या इंटरप्ट करने के लिए आता है, किससे वो शांति इंटरप्ट होती है, कभी कभी जब वहाँ पर एवलेंच, एवलेंच होता है जो पहाड़ों से बर्फ टूटती है, और कैल्विंग आइस शीट, और वो जो आइस शीट होती है बहुत तेज हवा चलने से जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उसे कैल्विंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब गिरती हैं कॉन्सिक्रेट द प्लेस, वो जो कॉन्सिक्रेट क्या होता है होली, बहुत ही पवित्र जगह। तो ये जो चीज़ें हैं इतनी शांति जो है वहाँ पर, सिर्फ कभी कभी वो शांति में आवाज़ें आती हैं सिर्फ बर्फ़ के गिरने की और टूटने की, तो ये जो शांति है ये इस जगह को कॉन्सिक्रेट बना देते हैं, मतलब एक होली प्लेस बना देते हैं, पवित्र जगह बना देती हैं। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस, ये एक ऐसी जगह है मतलब आपको लगेगा कि आप इसमें खो गए हैं इस जगह पर आकर, योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, मतलब आपको क्या लगेगा कि आप अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में खो गए। जियोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब आप अर्थ कैसे बने, अर्थ का सरफेस क्या है, कैसे ये बनी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो आप लगेगा कि आप खो गए हैं। एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड, लेकिन वहाँ की चीज़ों को देखकर ऐसे लगता है, प्रोग्नोसिस होता है फ्यूचर के बारे में सोचना, एक्सपेक्टेशन का रखना। तो कहते हैं अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ का फ्यूचर देखें तो जो कि इंसानों के लिए वो अच्छा नहीं है, मतलब किस तरह से जो है टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, ये बर्फ़ पिघल जाएगी सारी तो अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कहते हैं अगर हम इसके फ्यूचर को देखें तो ह्यूमंस के लिए यहाँ का जो फ्यूचर है जो होगा इनके साथ वो ह्यूमन इंसानों के लिए अच्छा नहीं होगा।